प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 110वीं कड़ी में कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को सलाम करने का अवसर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंची। गांधी की यात्रा के आगरा पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इसमें शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की कथित घटनाओं की जांच के लिए जा रही पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व वाली एक स्वतंत्र तथ्यान्वेषी समिति के 6 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कौशाम्बी जिले के महेवा गांव में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 16 लोग झुलस गए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का अगले 3 महीने प्रसारण नहीं होगा। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के 7 जिलों में करीब 2 सप्ताह पहले निलंबित की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को रविवार को बहाल कर दिया गया। मणिपुर पुलिस ने चुराचांदपुर जिले के 2 गांव में तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रविवार को मणिपुरी समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। दिल्ली के कानून मंत्री अतिशी ने प्रमुख सचिव द्वारा जारी उस आदेश को अमान्य घोषित किया है जिसमें स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी की बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अन्य वकील को अंतरिम आधार पर स्थायी वकील नियुक्त किया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम।